हेलो गाइज एंड वेलकम, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में। और गाइज आज के इस वीडियो में हम 10th अक्टूबर से 16th अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और गाइज हमारे फ्री कंटेंट, डाउट रूम और जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारी ऐप BBoard को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे फ्री कंटेंट PDF के लिए आप हमें अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच पासपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज जापान। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस 2018 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। और जापानी नागरिक गाइस बिना वीजा के 190 डेस्टिनेशंस में यात्रा कर सकते हैं। और वहीं पे सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो अपने नागरिकों को 189 डेस्टिनेशन की यात्रा की अनुमति देता है गाइज, और दूसरे स्थान पर है इस लिस्ट में। और जर्मनी, दक्षिण कोरिया और फ्रांस, ये तीनों जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में। एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इनइक्वलिटी इंडेक्स। तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। एंड गाइज करेक्ट आंसर इज 147। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइज यूके बेस्ड एक चैरिटी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी के इंडेक्स जो है, जो लिस्ट है, उसमें इंडिया ने 147वां स्थान प्राप्त किया है। और ऑक्सफैम ने गणना की है कि यदि भारत असमानता को एक तिहाई कम करता है तो 170 मिलियन से अधिक लोग गरीब नहीं रहेंगे। और वार्षिक सूचकांक में पाया गया है गाइस कि दक्षिण कोरिया, नामीबिया और उरुग्वे जैसे देश जो हैं वो असमानता को कम करने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज ओल्डेस्ट फ्लाइंग स्क्वायरल फॉसिल फाउंड, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना उड़ने वाली गिलहरी का जो जीवाश्म है उसे कहाँ खोजा गया है। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज स्पेन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस वैज्ञानिकों ने सबसे पुरानी उड़ने वाली गिलहरी के जीवाश्म की खोज की है, और वे उन्होंने स्पेन में इसे ढूंढा है जो कि 11.6 मिलियन पुराना है। और ये जो फॉसिल है गाइस, इसकी खोज ने इन वातानी जानवरों की उत्पत्ति और विकास में नई अंतर्दृष्टि का पता लगाया है, मतलब कि एक नई इंसाइट दी है कि कैसे ये जानवर, इन जानवरों का इवोल्यूशन हुआ, इनकी शुरुआत कैसे हुई। और उड़ने वाली गिलहरी जो है गाइस वो स्तनधारियों का सबसे सफल समूह है जिसने फिसलने की क्षमता अपनाई है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज अक्टूबर 10। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का गाइस जो ऑब्जेक्टिव है वो है मानसिक स्वास्थ्य और किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य में जो मानसिक स्वास्थ्य के महत्व है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2018 यानी कि इस साल की जो थीम है गाइज वो है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि बदलती दुनिया में युवा लोग और मानसिक स्वास्थ्य। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल में। एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज 17th CHG मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड, यानी कि 17th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि CHG मीटिंग जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है वो कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज तजिकिस्तान। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 17वीं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है उसमें भाग लिया। और ये मीटिंग तजिकिस्तान में 11 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई। और जून 2017 में भारत जो है गाइस वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनने के बाद ये दूसरी CHG बैठक है। और 2017 में सोची रूस में ये बैठक आयोजित की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी अगले सवाल में।
एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज 11th अक्टूबर। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 11th अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या वर्ल्ड गर्ल्स चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड। और इस दिन का जो ऑब्जेक्टिव है गाइस वो है बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति के दौरान जरूरतों और उनकी चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। और गाइस इस साल की जो 2018 की जो थीम है वो है विद हर स्किल्ड गर्ल फोर्स। और गाइस मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर 2012 को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर अंडर वेट अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने बच्चे भारत में अंडर वेट हैं। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज 21%। सो लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो गाइस ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हर पाँच भारतीय बच्चों में से हर एक बच्चा जो है वो अंडर वेट है या एक बहुत ही ज़्यादा कम वेट का है उनके हाइट के अकॉर्डिंग, जो कि मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन की ओर रिफ्लेक्ट करता है। और कुल मिलाकर जो भारत की जो रैंकिंग है 119 देशों में, तो भारत ने 103rd पोजीशन एक्वायर की है। और GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा सालाना जारी किया जाने वाला एक सहकर्मी समीक्षा प्रकाशन है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस डज इंडिया सफर ड्यू टू डिजास्टर। तो डिजास्टर की वजह से इंडिया ने या भारत ने कितने का इकोनॉमिक लॉस जो है वो सफर किया है। एंड गाइस करेक्ट आंसर इज $79.5 बिलियन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइज एक रिपोर्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक लॉसेस पॉवर्टी एंड डिजास्टर 1998 टू 2017 वो यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा रिलीज की गई है। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने $79.5 बिलियन का जो है नुकसान जो है वो झेला है डिजास्टर की वजह से जो भी क्लाइमेट रिलेटेड है इन 20 सालों में। और सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक लॉस है वो US को हुआ है कुल मिला के $944.8 बिलियन का। उसके बाद चाइना है, फिर जापान है, फिर इंडिया और फिर प्यूर्टो रिको। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज 13th कन्वेंशन ऑफ CIC इनॉग्रेटेड, यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। एंड गाइज करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। सो लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो गाइज हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के 13वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन में तीन विशिष्ट सब्जेक्ट्स के बारे में या तीन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया, जो है डेटा गोपनीयता या डेटा प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन, अमेंडमेंट इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एक्ट। और जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है गाइज उसके तहत स्थापित केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में स्थापित अधिकृत निकाय है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग लॉन्च बाय ICC। तो ICC ने जो वुमेन T20 टीम की एक रैंकिंग जो रिलीज़ की है उस रैंकिंग की लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया किस पोजीशन पे है। एंड गाइज करेक्ट आंसर इज 5th। सो लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो गाइज हाल ही में ICC ने एक T20 टीम रैंकिंग, महिला T20 टीम रैंकिंग रिलीज़ की है जिसमें भारत 5वें स्थान पर है, जबकि 3 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो है वो 46 टीम की इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है। और महिलाओं की T20 रैंकिंग शुरू करने का जो ये ICC का जो कदम है वो इस वर्ष के शुरू में T20 मैचों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के इस के फैसले का पालन करता है। और दुबई में ICC की एक रिलीज़ में कहा गया है कि सदस्यों के बीच सभी महिलाओं के T20 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है या इंटरनेशनल स्टेटस है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड।
डिज़ास्टर रिडक्शन का जो इंटरनेशनल डे है वो कब मनाया जाता है? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज 13th अक्टूबर। तो गाइस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन जो है वो 1989 में शुरू किया गया था और ये हर वर्ष इसे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है 2018 की वो है सेंडाई 7, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 लक्ष्यों पर केंद्रित है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीका वायरस इज कॉज्ड बाय, तो जो जीका वायरस अभी फैला हुआ है दोस्तों तो वो किसकी वजह से फैलता है? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज मस्कीटो। तो गाइस अब तक जो है भारत में बीमारी के सबसे बड़े प्रकोप यानी कि जीका वायरस में जयपुर में 11 गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जीका के 50 मामलों की पुष्टि हुई है। और मच्छर से उत्पन्न होने वाला ये वायरस जो है गाइस वो नवजात शिशु जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको माइक्रोसेफली नाम की एक बीमारी के खतरे में ला देता है, जिसमें होता ये है गाइस कि जो बर्थ के दौरान बेबी का जो हेड होता है उसका जो सर होता है वो नॉर्मल से छोटा हो जाता है। और इस बीमारी के सिम्टम हैं हाई फीवर, रैश, जॉइंट और मसल्स में पेन, हेडेक या कंजक्टिवाइटिस। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज फर्स्ट इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर लॉन्च, तो देश का पहला इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज बेंगलोर। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस देश का पहला इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर यानी कि IIIC जो कि एक एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी हब है उसे बेंगलोर में लॉन्च किया गया। और IIIC जो है वो भारत में इजरायली कंपनियों के प्रवेश की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है गाइस। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दोनों देशों की जो कंपनियां हैं उनके बीच स्थानीय साझेदारी और संयुक्त उद्यम का निर्माण करना है और यह उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड गाइज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल स्किल फेयर यानी कि IISF इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली ऑन अक्टूबर 16, 2018। तो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर यानी कि IISF का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया? एंड गाइज करेक्ट आंसर इज 6th। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस 16 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर यानी कि IISF के 6th एडिशन का जो है उद्घाटन किया गया। और आयोजन में गाइस रेशम और मिश्रित रेशम यानी कि सिल्क और ब्लेंडेड सिल्क के 108 प्रदर्शक अपने जो भी उनके उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। और ये जो मेला है गाइस वो भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है यानी कि इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इंडिया जो है गाइस मैं आपको बता दूं वो पूरी दुनिया भर में सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डज 6th RCEP मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड, तो 6th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है RCEP की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो कहाँ आयोजित की गई? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस 6th RCEP जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बैठक जो है वो 12 से 13 अक्टूबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित की गई। और जो 16 देश हैं उनके मंत्रियों ने एशियन के FTA पार्टनर्स ने इस मीटिंग के दौरान गाइस आधुनिक व्यापक और परस्पर लाभकारी आर्थिक साझेदारी का जो समझौते पर चर्चा की गई। और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो एशियन कंट्रीज़ के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसे प्रस्तुत करेगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वॉन हॉकी सुल्तान जौहर कप 2018, तो हॉकी का जो सुल्तान जौहर कप है 2018 का उसे किसने जीता? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन ने मलेशिया के जौहर बहरू में 2018 का सुल्तान
ऑफ जौहर कप जो है उसे जीत लिया है, और ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल में भारत को हराया है। भारत को 8वें सुल्तान ऑफ जौहर कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट में रजत पदक में संतोष करना पड़ा, और टूर्नामेंट में अन्य जो टीमें थीं गाइज वो थीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च बाई IRCTC। तो IRCTC द्वारा लॉन्च किया गया जो चैट बॉट है उसका क्या नाम है? एंड गाइज करेक्ट आंसर इज आस्क दिशा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ने एक चैट बॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आस्क दिशा, और इसका जो मेन मकसद है वो जो भी क्वेरीज आती हैं कस्टमर्स की उन पर ध्यान देना है, जो भी क्वेरीज आती हैं कस्टमर्स की IRCTC की सर्विसेज से रिलेटेड उनका जवाब देना है या उन पर ध्यान देना है। और आस्क दिशा जो है गाइज ये चैट बॉट IRCTC और कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इन दोनों के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड QS रैंकिंग इन इंडिया। तो QS रैंकिंग की लिस्ट में, इंडिया की लिस्ट में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT मुंबई ने QS की रैंकिंग जो कि इंडिया में हुई है, इंडिया की QS रैंकिंग में टॉप किया है, और IIT बॉम्बे के बाद है गाइज IIS बैंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और IIT मद्रास। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो रिलीज़ हुई थी 2018 में गाइस अभी, तो उसके अकॉर्डिंग जो IIS बैंगलोर है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था भारत में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉकिंग फाइनल बुक लॉन्च ऑन 15th October 2018। तो 15 अक्टूबर 2018 को जो आखिरी बुक स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई लॉन्च की गई है उसका क्या नाम है? एंड गाइस करेक्ट आंसर इज ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन जो स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई आखिरी बुक है उसे 15 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया, और गाइज इस बुक में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और टाइम ट्रैवल को लेकर के जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई है। और इस बुक को गाइज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की फैमिली और एकेडमिक कलीग्स के सहयोग द्वारा पूरा किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डज वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? एंड गाइज करेक्ट आंसर इज 16th October। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है, और यह दिन जो है गाइज वो ग्लोबल हंगर का जो इशू है उसको डेडिकेट किया गया है, उस प्रॉब्लम को डेडिकेट किया गया है। और इस साल का जो थीम था वो था अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर, यानी कि हमारे कर्म जो हैं वो हमारा भविष्य हैं। और हर साल वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO की जो फाउंडिंग डेट है उसके ऑनर में मनाया जाता है इसे। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा 1945 में इसे लॉन्च किया गया था। तो गाइस दिस इज इट, ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल BBoard को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस अगली बार हम फिर हाजिर होंगे वीकली करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।